from the wave front. What is the wave front? Wave front. What is the wave front? To understand wave front, let's assume that what happen when we put a stone or throw a stone in the water. What happen? Water is calm and we throw a stone in the water, then we observe that there are some circles, that is rings around the stone, and the rings propagate towards the bank of the pond or the river. Not river, we are taking the example of still water. स्टील वाटर जैसे आपके बकेट में पानी है, तालाब में पानी होता है, उसके अंदर जब आप स्टोन डालते हो तो उसके चारों तरफ क्या बनते हैं, इस प्रकार से रिंग्स बनेंगी। और तो हम कोई भी एक रिंग ले लेते हैं, जैसे आपने यहाँ पे स्टोन डाला तो स्टोन ने क्या किया, यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, और ये जो डिस्टर्बेंस है ये क्रिएट करते हैं इस प्रकार से रिंग्स। ये पहली रिंग क्रिएट हुई, फिर ये रिंग क्या करेगी, आगे प्रोपोगेट करेगी, फिर अगली रिंग जनरेट होगी, फिर आगे प्रोपोगेट करेगी, फिर अगली रिंग जनरेट होगी। इस प्रकार से जो रिंग्स होती हैं वाटर के अंदर वो चलती है, ठीक है। अब इनमें कोई भी एक रिंग ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यही रिंग ले ली, तो इस रिंग में वाटर मोलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, या तो सारे के सारे वाटर मोलिक्यूल्स अपवर्ड आ रहे हैं, और या सारे के सारे वाटर मोलिक्यूल किधर जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। इट मीन ऑल द मोलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इन दिस रिंग आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली, और वी कैन सी दैट दीज आर इन द सेम फेज। तो वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट लोकस ऑफ द पार्टिकल्स होता है। व्हाट द वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल और पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, सारे के सारे एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका जो लोकस होता है उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। और जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट के हमारे पास टाइप्स हैं, यहां से आपके पास एक एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, वेव फ्रंट के जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या टाइप्स हैं। तो वेव फ्रंट जो होते हैं इसको हम लिखते हैं बीच में, यहां डाल देते हैं इसको वेव फ्रंट। क्या होता है वेव फ्रंट, आपने देखा लोकस ऑफ द पार्टिकल वाइब्रेटिंग द सेम फेज इज नोन एज द वेव फ्रंट। और जो ये वेव फ्रंट होते हैं ये तीन टाइप से होते हैं। कितने टाइप के होते हैं वेव फ्रंट, तीन टाइप के होते हैं। पहला जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और तीसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट। कौन से होते हैं, सिलेंड्रिकल होता है, स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल एंड द प्लेन, ओके ठीक है। सिलेंड्रिकल जो वेव फ्रंट, स्फेरिकल जो वेव फ्रंट होता है वो कुछ ऐसे होता है कि जो सोर्स होता है लाइट का वो सेंटर में होता है, और लाइट होती है वहां से इस प्रकार से 3D में बाहर निकलती है। तो ऑन द बोर्ड वी कैन ड्रॉ ओनली 2D डायग्राम, बट यू शुड कंसिडर दैट इट इज ए 3D डायग्राम, लाइक ए वॉलीबॉल और ए क्रिकेट बॉल और द टेनिस बॉल, ओके। तो 3D में है, इस प्रकार से 3D होगा स्फेरिकल। इस स्फेरिकल का जो सोर्स होगा वो होगा पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स मतलब एक पॉइंट है, जैसे यहां पे कोई लाइट का सोर्स है तो वो अपनी हर डायरेक्शन में, इधर भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इधर भी, इधर भी, मतलब अपने चारों तरफ लाइट को प्रपोगेट करता है, ठीक है, चारों तरफ लाइट को जनरेट करता है, लाइट फिर चारों डायरेक्शन में इस प्रकार से मूव करती है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा, और स्फेरिकल जो वेव फ्रंट होता है उसका जो सोर्स होता है वो पॉइंट सोर्स होता है। आपको क्या करना है, इसका डायग्राम याद करना है और इसका जो सोर्स है वो याद करना है। फिर आपके पास वो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो नाम से ही पता चल रहा है सिलेंड्रिकल जो वेव फ्रंट होगा वो लाई के सिलेंडर होगा, इस प्रकार से क्या होगा, लाई के सिलेंडर होगा, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा इस प्रकार से। और इसके जो वाइब्रेशन है वो हम यहां से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो जाएगा आपके पास। इन सभी के डायग्राम आपको ध्यान रख लेने हैं, ओके ठीक है। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो गया, और इसका जो सोर्स होता है, सोर्स, सोर्स होता है इसका लाइन सोर्स। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स क्या होता है, लाइन सोर्स होता है। और थर्ड बच्चा हमारे पास प्लेन, तो प्लेन वेव फ्रंट कुछ इस टाइप से होता है,
ये प्लेन वेव फ्रंट है और इसका जो सोर्स होता है वो इनफाइनाइट सोर्स होता है, इनफाइनाइट सोर्स। इनफाइनाइट सोर्स का मतलब होगा कि दूर से कोई आपके पास लाइट रेज आ रही है तो दूर से जो लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल रेज आएंगी, और जो पैरेलल रेज आएंगी तो कैसा बनाएंगी, प्लेन वेव फ्रंट बनाएंगी। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहां से और भी नोट करना है, एंड द पॉइंट इज स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट और द सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट इज ऑल्सो ए प्लेन वेव फ्रंट। इसका एक स्मॉल पोर्शन काट लो आप, छोटा सा पार्ट इसका काट लो, एक छोटा सा पार्ट आप इसका कट कर लो, और वो पार्ट किसकी तरह बिहेव करता है, वो भी प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करता है। एग्जाम में यहां से आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, देयर इज ए वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट सोर्स, इनफाइनाइट सोर्स से वेव फ्रंट आ रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द वेव फ्रंट। तो इनफाइनाइट सोर्स से आपके पास जो भी कुछ आएगा वो आपके पास हमेशा कैसा रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनाएगा, और सोर्स क्या हो गया आपके पास, उसका इनफाइनाइट हो गया। तो इसमें आपको ये पॉइंट्स ध्यान कर लेने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट हमारे अच्छे से समझ में आ गया और हमें पता चल गया कि वेव फ्रंट होता है वो लोकस ऑफ द पार्टिकल्स होता है दैट आर वाइब्रेटिंग द सेम फेज।